तेरे पास ज्यादा फॉलोअर है तो मुझे फायदा होगा कब। Hey, don't try to flirt with me. Spaceship. What is this? इधर ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे का बटन ही नहीं है तो कोई लफड़ा ही नहीं। How's my OTT? Please. सांगा कसा वाटतोय? आणि आपण नाश्ता घेतलेला आहे, क्रोझॉन, क्रोझॉनची मावशी, क्रोझॉनचा मामा, क्रोझॉनचा काका आणि हे चिल्लर पिल्लर या सर्वांचे। अनहेल्दी वगैरेची लफडी करू नका बिकॉज अभी फटक से अपने को बाहर निकलना है, ऑलरेडी लेट हो गया अपने को नीचे आते आते, और अपने को लास्ट ब्लॉक डालने के लिए इंटरनेट भी प्रॉपरली नहीं मिला, इथे जरा स्लो इंटरनेट अगेन। तो आता हे पटकन खायचं आहे, बाहेर जसे का कामासाठी जे खूपच इंटरेस्टिंग आहे। फास्ट फूड फाट नाश्ता करून आता आम्ही निघालो आहे टू किती ट्रायल ड्रेस कॉस्ट्यूम ट्रायल फॉर द ऑक्टोबर फेस्ट जा रहे हैं, एंड वी हैव विथ अस द कीटो डाइट ब्रांड एम्बेसडर। कल तूने इंट्रोड्यूस नहीं किया मुझे, करवाया नहीं। कल अपन अलग सोन में थे ना, हाँ हाँ, इसलिए मैंने बोला कि लेट्स नॉट स्पॉइल दैट। And today we have a fresh morning. चाहते हैं मैं तेरे ब्लॉग में आऊं तो मुझे बता दे, मतलब I can sit behind. Bro, मैं तो चाहता हूँ because तेरे पास ज़्यादा follower है तो मुझे फायदा होगा. Come on, I mean क्या बोल रहे हैं तू? So how does it feel to do the keto diet? Because मैं तो मंडे से डाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तो what do you think about? तेरा क्या सही है भाई? मत genuinely, like I'm very happy seeing your body, like I feel like to sleep with you. Talk. मैं कल से छोड़ रहा हूँ डाइट. The thing is कि keto is very different. मतलब मैं तो डाइट कर ही रहा हूँ, मतलब प्रवीण से भी मैंने एक दो साल कर ही रहा था, मतलब I stopped eating all the junk and stuff. मैं मीठा भी नहीं खाता, मैं मीठा का बहुत एक स्वीट टूथ था बचपन में, इतना भर भर के मैं आई यूज्ड टू हैव काजू कतली का डब्बा फॉर लंच एंड डिनर, इतना मोटा है मैं दीवाना था, बट फिर प्रवीण ने सिखाया तो मैंने सब छोड़ दिया। बट दिस कीटो डाइट इज सो फॉर वेजिटेरियंस, यू हैव कीटो डाइट इज हाई प्रोटीन हाई फैट एंड लो कार्ब्स, एंड वेज में पनीर के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो आई जस्ट यूज टू ईट दिन का 400-500 ग्राम पनीर विथ 2-3 चम्मच ऑफ घी और बटर एंड वे प्रोटीन, दैट्स इट। नो सब्जी, सब्जी मतलब खाली लीफी वेजिटेबल खाया तो खाया, बट भिंडी विंडी दाल वाल चावल कुछ नहीं खाया पिछले एक महीने से। स्टार्टिंग 7 दिन में आई लॉस्ट 4 kg इन 7 डेज, एंड देन ओवरऑल जब पूरा 30 डेज का मैंने ट्रैक किया तो आई वाज एट 68। इतना वेट लूज होना नहीं चाहिए बिकॉज आई वाज ऑलरेडी एट 68, ऐसा नहीं कि 75-80 था, 68 से मेरा वेट आया था 61.3 आफ्टर 30 डेज। सो बहुत क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड समवन टू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये कीटोसिस है, ये 30 दिन के बाद 40 के बाद चेंज करने का। सो अभी वो मेरा फेज आ रहा है। Cutie pie, wow. Are they stop? How am I looking, Dennis? You look sharp, man. I look sharp? You look sharp. Are you sure? Okay, yes. Hey, don't try to flirt with me. And Mitwano, finally, shopping वगैरह झाली आहे। बता ना कहाँ से shop किया, नाम बता इसका। हाँ? नाम बता इसका। Anger में। मंबल रैप। तो शॉपिंग वगैरह हो गई है और जो लुक है वो आपको सीधा कल ही दिखाएगा, कल के ब्लॉग में आज नहीं है क्योंकि कल हम जा रहे हैं ऑक्टोबर फेस्ट, आज जा रहे हैं मैच के लिए। भाई रस्ता जा मत, इधर ट्रैम पे एक नंबर, फर्स्ट टाइम ट्रैम एक्सपीरियंस इन जर्मनी। भाई बापच ट्रेन का एक्सपीरियंस, ट्रैम का एक्सपीरियंस, एकदम रास्ते के ऐसे अस्से है भाई, डायरेक्ट उधर भी बाजू में इधर भी बाजू में। हाँ इकड़ा लोनावळा तो धबधबा छान है भाई, इतने आर्किटेक्चर भी इधर एकदम जबरदस्त है, आणि इधर क्या भाषा है ना वो समझ में नहीं आता। अरे तिथे एवढं मोठं नाव लिहिलंय, गवडन पलसन रवनसन भावार्यान म्हणा वेणुगोपाल अय्यर। जो ब्लू स्काय है और जो आर्किटेक्चर है इधर, ये एक्चुअली मेन सिटी सेंटर है। यहाँ से यहाँ पे इफ यू सी राइट साइड में शॉपिंग, लेफ्ट साइड में खाना, मतलब ऐसा सब है, खाना शॉपिंग सब 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 आइटम है, मेन सिटी सेंटर बोलते हैं उसको।
और हम लोग वहाँ शॉपिंग से निकले और यहाँ पे आए, मैं बोला ज़रा फिरूँ मैच से पहले, फ्री टाइम है तो थोड़ा घूम लेते हैं, अगर घूमते हैं एंड जस्ट सीइंग द पीपल अराउंड मेक्स मी हैप्पी ब्रो। आई मीन जो माहौल है ना यहाँ पे बहुत ही क्रेजी है, ये मेरे को बहुत पसंद है यहाँ पे। और सगळे इथे असे ओवरकोट आणि यू नो थंडीच्या कपड्यामध्ये बोलून मला खूप आवडतं यार, असं फक्त लवकरात लवकर, सॉरी असं फक्त लवकरात लवकर मुंबई में भी हो जाए भाई, ऐसे ही चिल वातावरण। म्हणजे यू नो टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, अभी इतना थोडे मोडे कंट्रीज में घुमा होना तो मुझे उसमें समझ गया कि द मेन रीजन फॉर दिस पीपल टू स्टे काम इज द थंडी। अपने इधर गर्मी आणि ह्युमिडिटीमुळे अर्धी लोकांचं डोकं खराब होतं, सो उसकी वजह से लफड़ा वगैरह मॅटर वगैरह हो जाता है। तो इधर ठंडी की वजह से ज़रा बहुत शांति है, बहुत चिल है और बेटर है यार, ये जो माहौल है ना ये मेरे को बहुत पसंद है। और सब लोग फुटबॉल के लिए आज रेडी हो रहे हैं, जब भी फुटबॉल मैच रहता है तभी सिटी में पूरा माहौल फुटबॉल के लिए हो जाता है, टी शर्ट घालून सगळे फिरत असतात आणि एवढा मोठा इवेंट बिकॉज दिस इज अ बिग मॅच। तो ये जो आइटम है यहाँ पे जवा बैयर्न म्यूनिख जीती है कप लीग जो भी है, तो यहाँ पे वो आते हैं एंड दे लिफ्ट द कप एंड यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े रहते हैं प्रॉपर और देख के ऐसे चिल्लाते हैं पावसाला भाई पावसाला, अचानक सब लोग कल्टी ले रहे हैं शपथ। इधर हवा और बारिश ये दोनों से अजूनच वांदे होतात आणि आत्ता तरी अजून ॲक्च्युली थोडी थंडी कमी आहे म्हणून काही जास्त वाटत नाही, बट आता जी थंडी मी हे घातलं आहे खूपच प्रॉपर असा मुलांवाला आयटम आहे, नाहीतर मी येलो असतो। सो आम्ही आता इथे एका कबाब सेंटरमध्ये आलो आहे अँड लुक व्हॉट आय गॉट इज द रेड बुल इज द कार्यक्रम इज द ओ माय गॉड इज द ओहो डिफरंट फ्लेवर्स ट्राइडंट क्या बोलता है भाई फ्रेश वगैरह हो गए भाई अपन रूम पे आके एंड नाउ वी हैव टू लीव टू द स्टेडियम टूर क्योंकि अभी सब स्टेडियम में होने वाला है, सो चार्ज वगैरह के लिए प्रॉपर सगड़ा कार्यक्रम एंड इट्स टाइम टू वेयर द बैयर्न म्यूनिख टी शर्ट विच हैज ओ दिसते का नाही कसं दिसणार आता घालूनच दाखवतो। थंडी पण आहे ना तरी हे घालावंच लागेल असं नाही जाऊ शकत भाई, चला पटकन आता जाऊ खाली वाट बघताय सगळे। तो मित्रांनो नाव वी आर गोइंग टू द स्टेडियम इन द क्रिएटर्स बस एंड वी आर ऑल सेट रेडी और फाइनली हम पहुंच गए द अलायंस एरिना बैयर्न म्यूनिख का स्टेडियम। बहुत टेंशन आता है, ये लोग कुछ ना कुछ तो बोल देंगे ना कैमरा में, मेरे को बहुत भाई हम लोग कुछ भी बात करने से पहले बोल रहे हैं तो एक बार देखते फोकस और फोकस का हाथ किधर है। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस टॉक्स नॉट बैड टॉक्स, वी कांट वी कांट वी कांट टेल देम ऑल द बिजनेस या या नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट द बिजनेस टॉक्स वी आर लाइक द मॉर्निंग इज ऑल अबाउट ब्रेकफास्ट द नाइट इज ऑल अबाउट बिजनेस। चिली वेदर रेनी मतलब बारिश अभी जस्ट गिरा है और अभी सन आ गया है, हवा चल रही है और ये स्टेडियम सामने भाई एलियंस अरीना स्पेसशिप प्रॉपर स्पेसशिप भाई, मतलब अपन मैड्रिड गए थे वो भी स्टेडियम स्पेसशिप लग रहा था और ये भी मतलब भाई साहब क्राइजी भाई। आणि ते आता ऍक्च्युली वी हॅव कम अर्ली, अभी स्टेडियम टूर करेंगे फिर पिच साइड जाएंगे पिच साइड एंड फिर उसके बाद वी विल बी सिटिंग इन द सीट्स एंड देन वॉचिंग द मैच बैयर्न म्यूनिख वर्सेस लेवरकुसन। क्रेजी इट्स सो क्यूट मैन, आई वांट टू स्लीप विथ यू मैन, कम ऑन मैन राइट नाउ, या ऑफ कोर्स Let's go, baby. The bed is ready. Come on, the shower is ready. The bathtub is ready. Come on. भाई हे खरंच वाटतंय की वरतून जादू येणार आहे आता, काय माहोल झालाय भाई, तिकडे ऊन आहे इकडे हे आहे आणि वरती जे बादल भाई सिनेमॅटिक
और फिर हम आ गए म्यूजियम टूर के लिए। नॉर्मली मैच डेज पे स्टेडियम टूर होता नहीं है बिकॉज सब लोग बिजी रहते हैं, लेकिन बैन म्यूनिक ने हमको इनवाइट किया है तो इतना तो बनता है। ऋतिक रोशन कैसे हो? ये है रेड्डी भाई, अपने इंडियन भाई फ्रॉम हैदराबाद। ये बैन म्यूनिक के लिए काम करते हैं, इनको मिलके बहुत अच्छा लगा। Now English is fine for every one of you. Absolutely. Perfect. Absolutely. Okay. Good. Then please follow me and let's go inside. ये करी मिलेगी यहाँ पे? क्या? अरे सही बोल रहा हूँ, साइनवेज चले गए। अरे सच्ची है भाई। ये दादू साहब अपने को बोल रहे थे कि इस स्टेडियम को बाहर से एयर कुशन लगाया है जिसमें 30,000 लाइट्स होते हैं और 60 मिलियन कलर्स होते हैं जो कि रात को ऐसे दिखता है। और फिर हम गए बिजनेस क्लब में जहां का मेन्यू ये था और सीटिंग 2100 पर्सन कैपेसिटी की थी। ये जो जगह है इसको गोल्डन सीलिंग भी कहा जाता है। एंड क्यों कहा जाता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेडियम, द 110 यार्ड्स ऑफ ग्रास इन फ्रंट ऑफ मी। सुकून है भाई, सुकून। द साइड्स ऑफ द पिच, मतलब बिहाइंड द गोल, वहां पे सीजन टिकट होल्डर को दो टिकट्स मिलेंगी 7,500 यूरोज में और मिडल ऑफ द पिच में 12,000 यूरोज। अभी तुम कैलकुलेशन कर लो। यहाँ मीडिया वाले खाना खाते हैं और यहाँ उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है विद द मैनेजर्स ओनली। प्लेयर्स यहाँ इंटरव्यू नहीं देते, वो मिक्स जोन में देते हैं जो कि इस तरह दिखता है। अपना दादूस कह रहा है कि मैच डे पे प्लेयर्स इस दरवाजे से अंदर आते हैं और डायरेक्टली यहाँ जाते हैं उनके लॉकर रूम्स में, और ये जगह बड़ी आइकॉनिक है। सो ये जो लोगो है, द फेमस लोगो वेयर सर्जियो रामोस एंड रोनाल्डो हैड क्लिक द पिक्चर आफ्टर दे डिस्ट्रॉयड बैन म्यूनिक। द फोटो वाज फ्रॉम हियर, दे वर स्टैंडिंग हियर। एंड और फिर हम निकल पड़े द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेडियम व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट, द पिच साइड। What is this? So grateful for this life, bhai. Kaisa hota hai sab? Kya ho raha hai meri zindagi mein, bhai? Green magic, green magic. ये है होम और अवे का डगआउट जहां पे प्लेयर्स बैठते हैं, और ये जगह टनल से कनेक्टेड है जहां से प्लेयर्स बाहर आते हैं। पानी क्या हुआ? हमको जरा रेस्ट टाइम है, और रेस्ट टाइम में हमने थोड़ा खाने के लिए ले लिया है। चिकन वाला आइटम है ये विद ब्रेड। दो तीन बार मैंने प्रैक्टिस किया लेकिन नहीं हुआ। स्किल्स डेमाइज किन जाओ देखा काम। एंड नाउ वी आर गोइंग पिच साइड बिफोर द मैच।
लोग कहते हैं कि यू शुड हैव दैट 1% इन योर लाइफ जिसको मिलके यू फॉरगेट अबाउट योर प्रॉब्लम्स. फॉर मी दैट पर्सन इज फुटबॉल. थैंक यू बुंडेसलीगा. थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस फॉर द सेकेंड टाइम. ये ऊपर का सेक्शन है अवे फैंस के लिए और ये नीचे का सेक्शन है होम फैंस के लिए जिसको अल्ट्रास कहा जाता है और जो एक दूसरे को टक्कर दे रहे चिल्ला चिल्ला के. टू लेजेंड्स ऑफ द गेम इन फ्रंट ऑफ मी मैनेजिंग द टीम विंसेंट कंपनी एंड ज़ाबी अलोंसो जिसको हम लास्ट टाइम मिले थे. अरे भाई ओ भाई स्टीयरिंग भी लग रहा है कुछ और लग रहा है ब्रो क्या ये मीठा है क्या टेस्टलेस आई डोंट नो व्हाई बट ये जो व्यू है ना मेरे नजर के सामने ये है मेरा मेंटल पीस. मैच खत्म हो गई एंड बोथ द टीम्स आर अप्रिशिएटिंग देयर फैंस सपोर्ट. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दिस स्पोर्ट हैज टॉट मी. मैच जो है द मैच एंडेड इन वन ऑल. इट वाज अ गुड मैच एट अलायंस एरिना. अलायंस एरिना. बजाज अलायंस लगता है वो. अलायंस एरिना गुड मैच. वी लव्ड इट. वन ऑल ड्रॉ. ये हो गया है बोल के मैच खत्म होने के बाद एक ट्रेंड है सारे लोग ग्लासेस इकट्ठा कर रहे होते हैं. ये ग्लासेस दो ही औरों के मिलते हैं तो कभी कभी लोग इतने बड़े बड़े सारे डब्बे लेके जाते हैं यहाँ से ताकि उन्हें कम से कम तो 50 से 60 औरों मिल जाते हैं यहाँ से जो बियर के कोला के जो भी एम्प्टी ग्लासेस है. अगर तुम रिटर्न करोगे तो तुमको 2 pounds. हम अमीर है हमें फर्क नहीं पड़ता. और फिर मैच के बाद हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि भाई किधर से तो पावरफुल इंटरनेट मिल जाए मैं व्लॉग अपलोड करूँ टाकूँ बट मिला ही नहीं भाई. बहुत ढूंढा. बहुत लोग मैसेज कर रहे तुम लोग कि भाई माझाकडे है माझाकडे है बट तुम लोग बहुत दूर रह रहे हो भाई. बहुत ज़रा सीन है और मेरे पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं नहीं आ पाया. बट फाइनली नाउ आई हैव गॉट इंटरनेट सम वॉट एंड आई हैव अपलोडेड द प्रीवियस व्लॉग. तो जल्दी जाके देखो ये व्लॉग भी अभी आएगा और इसके आगे वाला व्लॉग. मुझे लगता है एक दिन में 2 vlogs आएंगे. कौन सा दिन वो मुझे पता नहीं लेकिन बी रेडी फॉर इट. तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वो नहीं हो पा रहा है. कुछ सॉल्यूशन रहेगा तो इंटरनेट का दे दो यार. ये हमेशा का लफड़ा है. 4K व्लॉग्स रहते हैं तो 12GB 13GB का फाइल रहता है तो मैं होटल के इंटरनेट पे अपलोड कर देता हूँ बट वो बहुत स्लो होता है और फिर उठ के देखता तो कैतरी मधे लफड़ा हालेला तो कुछ नेटवर्क टूट जाता है. तो कुछ तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे नीचे सोल्यूशन दे दो. बट वॉट अ ग्रेट नाइट यार यस्टरडे. So much of fun, thrilling experience with all the creators and thanks to Bundesliga, Dennis and all the people of Bundesliga. Last time apun aaye the Leverkusen ke side se, ye time apun aaye Munich ke side se
और जो अभी कमेंट करके बोलेंगे भाई तू तो यूनाइटेड सपोर्ट करता है और ये बाकी टीम को सपोर्ट, भाई मैंने पहले ही बोला आई लव स्पोर्ट्स एंड आई सपोर्ट स्पोर्ट्स, तो मेरे को ऐसा सब टीम्स के स्टेडियम पे मैच देखना वो बहुत पसंद आता है, फिर वो क्रिकेट का भी हो कि मेरे को भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी जाके देखा है, मैं एशेस लंदन में जाके देखा है मैंने एशेस, ऐसा इंडिया रही तो फिर मैं नहीं देखा, ऐसा नहीं है भाई, सबका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मैं खुद करूंगा ना और फिर तुमको दिखाऊंगा ना, मतलब तुम भी एंजॉय कर पाओगे है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करा फटफट, लाइक करा, शेयर करा फटफट, और आज का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटफट फटफट, बिलीव इन मैजिक, हस्ता ला वस्ता ला गस्ता ला गो.